जल्द ही उसको माफी मांगे। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं देश प्रदेश और आपके शहर की नफ्स टटोलने वाला हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। राजनीतिक अपनी टिप्पणियां मर्यादाएं लांघते जा रहे हैं, सियासतदार सियासी मापदंड भूल रहे हैं, इसलिए अब सियासत की महाभारत में कमर के नीचे वार होने लगे हैं। मुद्दों से भटककर निजी टीका टिप्पणियां होने लगी हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेता और आबकारी मंत्री कवासी लखमा इसका शिकार हो गए। छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने मंत्री को आइटम गर्ल कह डाला, तो मंत्री जी ने पलटवार करते हुए आदिवासी अंचलों में पूर्व मंत्री की एंट्री बैन कर दी है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है, मर्यादा भूले माननीय। चर्चा आगे शुरू करें, मेहमानों से परिचय कराएं, उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल है, आइटम गर्ल है। क्या करके गया? बाथरूम करके गया? बाथरूम करके लेटर को या इसकी को कलर पकड़ो, तो कलर पकड़ो, तो कलर पकड़ो। ये पानी गिनी गिर रहे थे हम लोग, क्या करें? भगवान को बात करते हैं, फोन लगाते हैं कभी। छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा बस्तर इलाके के सबसे कद्दावर नेताओं में शुमार। ये मंत्री अपने अजीबोगरीब बयानों की वजह से भी काफी फेमस है। सोशल मीडिया में मंत्री कवासी लखमा छाए रहते हैं। सबसे पहले आपको मंत्री कवासी लखमा के वो बयान सुनाते हैं जिनके कारण उन्हें आइटम गर्ल कहा गया। हमारा प्रधानमंत्री दो बार आया, दो बार आके क्या करके गया? क्या करके गया? बाथरूम करके या कि मट्टी को बेघर करके? मैं बोला लेटर को या इसकी को कलर पकड़ो। ये पानी गिनी गिर रहे थे हम लोग, क्या करते? भगवान को बात करते हैं, फोन लगाते हैं कभी। भगवान को पहला नंबर बटन दबाना है, अगर दूसरे नंबर बटन दबाओगे करंट डलेगा, उसमें करंट है, तीसरे नंबर में करंट है। आपने देखा और सुना भी कैसे मंत्री कवासी लखमा की जबान फिसलती है और इसी कारण से मंत्री कवासी लखमा सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। लेकिन इनके अलग अलग और अटपटे बयानों के कारण विपक्ष के बड़े नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने इन्हें मंत्रिमंडल का आइटम गर्व तक कह दिया। हालांकि अजय चंद्राकर ने जिस संदर्भ में ये बयान दिया वो गंभीर सवाल था। ऐसा है, मैं उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कांग्रेस मंत्रिमंडल के आइटम गर्ल, आइटम गर्ल, आइटम गर्ल। मंत्री कवासी लखमा जनसभाओं में कई बार अटपटे बयान देते रहे हैं जो अब आम बात हो गई है। लेकिन विपक्ष के बयान पर अब मंत्री कवासी लखमा बिफर गए और मंत्री लखमा अजय चंद्राकर के बयान से आहत हो गए हैं। यही कारण है कि मंत्री लखमा ने बाकायदा प्रेस वार्ता करके अजय चंद्राकर से माफी मांगने की मांग तो की ही, साथ ही में भाजपा पार्टी से भी अजय चंद्राकर पर कार्रवाई की मांग तक कर डाली। मंत्री का कहना है कि उन्हें आइटम गर्ल कहा गया तो यह आदिवासी समाज का अपमान है। इतना ही नहीं, कैबिनेट मंत्री के दूसरे मंत्री भी अजय चंद्राकर के बयान को गलत करार दे रहे हैं। अजय चंद्राकर साहब जल्दी से जल्दी उसको माफी मांगे आदिवासी समाज से और छत्तीसगढ़ के लोगों, आदिवासी लोग से माफी मांगने का हम लोग मांग करते हैं। की आइटम गर्ल के नाम से जो कमेंट किया है, जो बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जो मानसिकता दर्शाता है। उनके काम को जो जिस तरीके से वो करते हैं उस पर कोई विषय पर अगर टिप्पणी किया होगा तो निश्चित रूप से किसी समाज पर कोई कभी टिप्पणी हमारे लोग नहीं करते हैं, और हमेशा उनके कुकर्मों को उजागर करने का काम हमारा रहा है और हम हमेशा उसको करते रहेंगे। राजनेता हैं अजय चंद्राकर जी, लेकिन बीच बीच में पता नहीं उनको क्या हो जाता है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। नेताओं में बयानबाजी आरोप और प्रत्यारोप राजनीति का अहम हिस्सा है, कभी सुर्खियां बटोरने के लिए तो कभी तीखा पलटवार करने के लिए, लेकिन तब जब बयानों में शब्दों की मर्यादा हो। छत्तीसगढ़ में राजनेताओं के बीच बयानों में शब्दों की मर्यादा टूट रही है, लेकिन इस मामले में कौन सही है और कौन गलत, फैसला जनता को ही करना है। रायपुर से दिलीप कुमार साहू, स्वराज एक्सप्रेस। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी, बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती और राजनीतिक विशेषज्ञ अजय चंद्राकर जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पैनल पे। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आखिर इस तरह की बयानबाजी को क्या माना जाए, क्या
जो इस समय हम बात करेंगे राजीव जी से, राजीव जी क्या माना जाए इस तरह की, कैसी शुरुआत है ये? देखिए ये हास परिहास एक चुटीला अंदाज है, और सबसे बड़ी भी आपको बात बता दूं, अजय चंद्राकर जी और कवासी लखमा जी पुराने कलीग हैं इस विधानसभा के, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो उम्र है वो लगभग 20 वर्ष है, और ये बहुत शैशव अवस्था में है। और मजे की बात है कि दोनों ही लंबे समय तक विधायक इस सदन के हैं, और व्यक्तिगत रूप से दोनों ही बहुत अच्छे मित्र हैं, तो एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, एक दूसरे के ऊपर मजाक करना जब सत्र चलता है या सत्र के बाहर भी, तो अजय चंद्राकर जी ने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लीजिए, वो तो जैसा फिल्मों में होता है कुछ दृश्य होते हैं कुछ, तो उन्होंने अपने शब्द कहे अजय चंद्राकर जी ने, परंतु कवासी लखमा जी को भी अन्यथा नहीं लेना चाहिए था कि वो इसको ले लिया, और उन्होंने पूरे पूरे उन्होंने कह दिया कि आदिवासी समाज पे, अजय चंद्राकर जी ने व्यक्तिगत समाज पर नहीं बोला, और कवासी लखमा जी बहुत इसके अलावा कभी कभी मर्यादा इतनी भूल जाते हैं कि कैबिनेट रहते हुए उन्होंने एक बार बचेली की सभा में कहा था कि भाजपा के नेताओं को मार डालो, हमारी सत्ता ही मार डालो हम बचाएंगे, कभी वो कहते कि प्रधानमंत्री जी यहाँ क्या करने आए थे। तो जो उनके चुटीला अंदाज है कवासी जी का, उस संदर्भ में अजय जी ने कहा कि उनकी बातों को गंभीरता से मत लीजिए, तो ये उनको हर्ट हुआ है, तो अजय जी ने कहा कोई बात नहीं हम आपस में बात कर लेंगे, तो ये आपस की बात है, इसको राजनीतिक रंग देना। और दुर्भाग्यपूर्ण अमित जी इसमें दूसरा पहलू ये है कि उन्होंने कहा कि मैं घुसने नहीं दूंगा, तो क्या बस्तर बपौती है कवासी लखमा जी की? बस्तर वो भूमि है, नमन भूमि है, बस्तर भूमि है जो सबके लिए है, जो लोग टूरिस्ट आते हैं बाहर बाहर से लोग आते हैं, तो ये अहंकार और दंभ दिखाता है कि मैं घुसने नहीं दूंगा अजय चंद्राकर। राजीव जी आपने तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कोई संदर्भ में बात कह दी। और राजीव जी आपने कहा कि 20 साल पुराने दोनों, ठीक है, पहली विधानसभा से सत्र में भी कवासी लखमा चुने गए थे, और 2003 का जो पहला चुनाव हुआ था उस समय कवासी लखमा चुने गए थे उससे पहले, और दोनों साथ में थे जैसा आपने कहा, लेकिन इस बार कवासी लखमा जो है बुरा मान गए हैं। धनंजय जी क्या कहेंगे? देखिए अमित जी, जिस संदर्भ में ये चर्चा हो रही है, आइटम गर्ल, अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता को सुना होगा, आपने उनसे सवाल पूछा, तो कहीं ना कहीं राजीव चक्रवर्ती जी उस आइटम गर्ल जैसे शब्द को बोलने से बचते हुए नजर आए डिबेट में जी। मतलब इस चीज तो मानते हैं ना कि आइटम गर्ल एक अशोभनीय भाषा है, किसी को अपमानित करने वाली भाषा है, उस भाषा को उपयोग करना राजीव चक्रवर्ती जी इस डिबेट में नहीं चाह रहे थे। आप इनका पूरा फुटेज निकाल के इनको दिखा दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ही अपमानित करने वाली है, असंसदीय है तो तय है। दूसरी बात, राजीव चक्रवर्ती जी भी अजय चंद्राकर जी की तरह निकले, जब कवासी लखमा जी ने कहा कि ये पूरे आदिवासी वर्ग का अपमान है, और अजय चंद्राकर जी अगर माफी नहीं मांगते तो आदिवासी क्षेत्रों में उनको घुसने पर उनका विरोध किया जाएगा, राजीव चक्रवर्ती जी क्या कहते हैं कि कवासी लखमा जी की बपौती है, मतलब किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये माँ बाप पर पहुंच गए, माता पिता का है, आदिवासी समाज से आते हैं, कवासी लखमा जी सज्जन नेता है, उसके पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज में पूरा उनका मान और सम्मान है, लेकिन दोनों नेताओं की भाषा समझ, एक अजय चंद्राकर की भाषा जो उनको अजय आइटम गर्ल कहा, और यहाँ बैठ के राजीव चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि उनकी बपौती है, मतलब समझ लिए भाषाओं में इनका कितना अहंकार है, आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, उनकी अकेले के नहीं बस्तर सबका है। नहीं नहीं, आपने बपौती शब्द इस्तेमाल किया है, अभी भी समय आप खेत पकड़ कर दीजिएगा। दूसरी बात, बपौती का अर्थ होता है कि किसी का अकेले का नहीं, नहीं तो बपौती आप कैसे कर दिए भाई, राजीव जी आपने शब्द उपयोग किया बपौती का, राजीव जी आपने मतलब उनके माता पिता चैलेंज किया ना, राजीव जी जिस तरह की भाषा का उपयोग हुआ है, मतलब आपकी भाषा और अजय चंद्राकर की भाषा में कोई अंतर नहीं है? देखिए विधानसभा के बाहर अकेले में कुछ हो, लेकिन जिस तरह से मीडिया के सामने इस तरह की भाषा का उपयोग हुआ है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है कवासी लखमा जी को, तो इस मामले में थोड़ी भाषा की शालीनता जरूर होनी चाहिए। राजीव जी हाँ, राजनीति में अटल जी भी कहते थे, दूसरे जी अटल जी कहते थे, राजीव मैं खत्म कर लूं बात फिर आप बोलिएगा। दूसरी बात, ये पहली घटना नहीं है अमित जी, हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मतलब ये 2018 से तीन चार साल पांच साल पुरानी बात बताना चाहूंगा मैं, एक भाजपा की नेत्री हुआ करती थी, अभी पार्षद का टिकट उन्होंने भाजपा को दिया है,
उनका नाम था विश्वसनी पांडे, वो भी एक टीवी डिबेट में आदिवासी महिलाओं को लेकर अपमानित जनक ऐसी अमर्यादित टिप्पणी की कि भारतीय जनता पार्टी को उसको अपने संगठन से निकालना पड़ा था, और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उसी नेत्री को टिकट दिया और पार्षद है। तो मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि पहले भारतीय जनता पार्टी नेता अपमानित करते हैं, बाद में भाजपा उसको पुरस्कृत करती है। और आइटम गर्ल होता क्या है, मैंने कहा ना कि चक्रवर्ती जी पढ़े लिखे प्रवक्ता है, उनको आइटम गर्ल बोलने में यहाँ परहेज था, आप डिबेट देख लीजिएगा जी। तो मुझे राजू चक्रवर्ती जी बता देगा, हंसी मजाक की आप बात कर रहे हैं, तो आइटम गर्ल का तात्पर्य क्या होता है ये स्पष्ट करें चैनल में बैठ के। बिल्कुल 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 बिल्कुल, राजीव जी, राजीव जी बिल्कुल इसका जवाब दीजिए आप कि किस तरह से इस तरह के मंत्री के लिए इस तरह की भाषा। कहा था कि राजनीति जी जी, देखिए क्या होता है, जब फिल्मों में मनोरंजन दृश्य डाले जाते हैं फिल्म को सुपरहिट करने के लिए, उसमें आइटम सॉन्ग, आइटम गर्ल्स, आइटम सीन्स कहा जाता है कि जिसमें लोगों का मनोरंजन हो। अजय जी का ये आशा था कि वो जो बात कहते हैं उसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है, वो एक मनोरंजन करते हैं। और वह धनंजय जी जो आरोप लगा रहे थे, मैं उनको कहता हूँ कि बस्तर, आज भी मैं कहूँगा कि बस्तर केवल कवासी लखमा जी का नहीं है, या वो उन्होंने जिस प्रकार से दादागिर की अधिनायकवाद की बात की, मैं घुसने नहीं दूंगा, ये भी आपत्तिजनक है। भाई आपकी उनकी व्यक्तिगत लड़ाई, आप कैसे किसी व्यक्ति को चैलेंज कर सकते हैं कि मैं किसी को बस्तर घुसने नहीं दूंगा, ये मेरा चैलेंज है। तो आप भी सार्वजनिक पद में हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, आप मंच से खड़े होकर बोलते हैं कि भाजपा कार्यकर्ताओं को एक मिनट, राजीव जी इस समय, राजीव जी आपको रोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे, कवासी लखमा जी इस समय फोन लाइन पे मौजूद हैं और हम उनसे बात करेंगे। कवासी जी आपको आवाज आ रही है? जी, ये बताएं कि इस पूरे मामले में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया, क्या इस पूरे कहना चाहेंगे? अजय चंद्राकर जी आपके बहुत पुराने साथी मतलब रहे हैं आपके साथ, जब 2003 से जब नया राज्य बना था तब से लेके आप लगातार देखते आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मसले को? मेरे साथ एमएलए बने थे अंतरनाथ, मैं भी बना था जी, ये मंत्री रह के एक बार सजा मार दी चुका है, लेकिन मैं कभी नहीं आ रहा जी। मेरा जनता ने मेरे को इतना चाहता है, लेकिन ये बात राजनीति से ऊपर उठकर सब बात करना चाहिए। किसी आदमी को अपमान करना, वो पूरा जनता, पूरा हिंदुस्तान का जनता देख रहा है, स्टेट के लोगों को राजनीति करने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए बस्तर का जनता बहुत आस है। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, एक गांव में पैदा होकर सुदूर अंचल जंगल में जो प्रतिनिधित्व करता हूँ, कांग्रेस पार्टी ने, नेहरू गांधी परिवार ने, भूपेश बघेल ने मेरे को मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में जगह दिया है। इन लोग बड़े लोग को पेट में बहुत दर्द होता है, आने वाला समय आदिवासी लोग इनको, ऐसा लोगों को, और छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, चरबुजा हो, बस्तर हो, और इस टाइप का मेरा अपमान नहीं है, ये हमारा संपूर्ण आदिवासी लोगों का अपमान हुआ है, इसका बदला लेंगे। किस तरह का बदला लेने की बात कर रहे हैं आप? चुनाव के समय लेंगे जी। जब वोटिंग के समय आदिवासी पर पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बताएंगे ऐसी बात करते हैं क्या? अभी आपने कहा कि जो अजय चंद्राकर जी, उनको आदिवासी इलाकों में नहीं जाने देंगे, इस तरह की बात आपने की है, क्या मांग क्या है जी? ये आदिवासी जाने देने वाली बात नहीं है, आदिवासी तो बच्चे कहेंगे, जब आदिवासी लोग के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हम एक गरीब गांव में जंगल में पैदा हुआ है, लेकिन बातों करने में मर्यादा होना चाहिए, चाहे किसी राजनीतिक दल में रहने वाला आदमी, सार्वजनिक जीवन रहने वाला आदमी, दुनिया जान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल। अब गरीब लोगों को दबाने का बात करेगा तो ठीक होगा, भाषा की मर्यादा बिल्कुल होना चाहिए। आपकी मांग क्या है? आप चूंकि व्यक्तिगत आप पे टिप्पणी की है, आप कैबिनेट मंत्री, हम लोग मांग है पूरा आदिवासी लोग से, जैसा सार्वजनिक बोला है, सार्वजनिक माफी मांगेगा तभी इसका हल है, और अन्यथा हम लोग आदिवासी लोग समय समय पर विधानसभा हो, विधानसभा के बाहर हो, जहाँ भी मौका मिलेगा, इस बात को हम आदिवासी बीच में रखेंगे, वो तय करेंगे, बिल्कुल समाज तय करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लखमा जी, आपने अपनी बात रखी और आपके साथ जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है आपने उसको बताया। और इस समय हम नाम राशि अजय चंद्राकर जी हैं हमारे, तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे बात करेंगे। क्या इस तरह की भाषा टिप्पणी क्या सिर्फ अटेंशन कैच करने के लिए होती है, या संयम खोते जा रहे हैं नेता? क्या है इस पूरा मामला, क्या कहेंगे इसमें?
था बिल्कुल अमित जी, 90 के दशक में हम देखे कि मूल्य की राजनीति का पतन आरंभ हुआ, लेकिन अब इस सेंचुरी में आते आते अभिव्यक्ति में शब्दों का जो चयन है उसमें काफी पतन दिखाई दे रहा है। इसमें ये नहीं कह सकते कि ये तो किरदार हैं, ABCD जो भी नाम है इन लोगों का, लेकिन आज से ही नहीं, हम यहाँ यह भी देखे छत्तीसगढ़ में स्वर्गीय विद्याचरण जी, स्वर्गीय श्यामाचरण जी के बारे में कहा गया कि 6-6 फुटिया लोग हैं। यह वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके बारे में कहा गया कि उनका तो सिर का बाल पका हुआ रहता है। या फिर 2019 के चुनाव में जिन शब्दों का प्रयोग हुआ, एक व्यक्ति के द्वारा जिस तरह से इतने लाख की गर्लफ्रेंड कहा गया, या फिर यहाँ प्रधानमंत्री के आगमन के समय जिस तरह से बाथरूम की बात की गई, तो इन शब्दों के प्रयोग से यही दिखाई देता है कि ये लोग लिटरेट होकर के भी अनलिटरेट बनने का प्रयास करते हैं। और जब ये बड़े समुदाय को बिलोंग करते हैं, चाहे MP के रूप में चाहे MLA के रूप में, मुझे याद है अमित जी, वर्तमान समय में रायपुर लोकसभा से जो सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं, वो छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े महाविद्यालय के प्रेसिडेंट होते थे, और उस कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी जी चीफ गेस्ट बन करके आए। तो वो जो आज लोकसभा के मेंबर हैं वो प्रेसिडेंट होते थे, यूनियन प्रेसिडेंट, उनके मुंह से एक शब्द निकला तो वाजपेयी जी अपने उद्बोधन के समय बोले, ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ शब्दों का प्रयोग अच्छे से होना चाहिए। तो उस समय टोकने वाले लोग थे, अब तो टोकने वाले लोग भी नहीं दिखाई देते। अगर माननीय प्रधानमंत्री के बारे में बाथरूम शब्द का प्रयोग किया गया तो कांग्रेस संगठन को निश्चित रूप से सक्रिय होना था। या फिर कह सकते हैं कि जब वर्तमान CM के ऊपर जिस तरह से बात हुई, या फिर स्वर्गीय विद्याचरण या फिर श्यामाचरण जी के बारे में, बिल्कुल अजय जी, आपने बहुत सारी बातें बताई कि पहले किस तरह से टीका टिप्पणी हुई है, लेकिन आज जिस तरह से कवासी लखमा खुद उन्होंने बताया कि बड़े व्यथित हैं वो इस पूरे मामले को लेकर, तो राजीव जी ये बताएं कि इस पूरे मामले में क्या किसी तरह की जो कहा जाए कि माफी मांगने वाली जैसी बात है, उन्होंने कई बार कहा है, क्या इस तरह की बात होगी? देखिए, राजनीति अनिश्चितता की बात है, हो सकता है अजय जी मान जाए और दोनों ही मित्र कहीं बैठकर हाथ परिहास में बातों को निकाल दे, ऐसा होता है। लेकिन मैं अजय जी का समर्थन करता हूं, जैसे उन्होंने कहा, तो आपको ये भी चीज दिला दूं कि पटवा जी और अर्जुन सिंह जी बहुत अच्छे मित्र थे व्यक्तिगत रूप से। बिल्कुल, अगर हम बार बार उस गर्मी की बात करेंगे तो हमें उस अच्छे समय को भी याद करना चाहिए कि जब पटवा जी और ये एक साथ जाते थे, या विद्याचरण जी और अटल जी उनके पिता का मूर्ति का अनावरण करने आए थे स्वर्गीय रविशंकर जी का, विपरीत पार्टी से होते हुए भी। तो अजय जी ने सही कहा कि दोनों तरफ से दोनों पार्टियों को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी पटाक्षेप हो जाएगा, और जो अजय जी ने कहा वो भी, उनको अटल जी ने कहा था कि टूटे मन से जीता नहीं जाता और छोटे मन से बड़ा नहीं हुआ जाता, तो मन को दोनों बड़ा करते हुए निश्चित रूप से आने वाले समय में ये राजनीति का जो गर्माहट है वो ठंडी राह में निकल जाएगी, और दोनों वरिष्ठ MLA हैं और दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये जो वाद विवाद की बात है ये होते रहते हैं, और ये निश्चित रूप से इसमें सीज फायर होगा ही। बिल्कुल, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और जहां तक राजीव जी, आपने कहा जिस तरह से कि दोनों वास्तव में दोनों मित्र हैं और बिल्कुल, लेकिन फिर भी मित्रतावश भी एक सार्वजनिक जीवन में मर्यादा बिल्कुल रखनी चाहिए भाषा की। और चूंकि आपने कहा कि ये तो समय बताएगा कि वो माफी मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, धनंजय जी क्या बिना माफी मांगे सब कुछ ठीक हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर एक आदिवासी समाज के मान सम्मान का विषय है। कवासी लखमा जी आदिवासी समाज का नेतृत्व तो करते हैं, और मैंने कहा ना कि पहला अवसर नहीं है कि अजय चंद्राकर जी के द्वारा इस प्रकार की वार्तालाप या इस प्रकार की टिकट टिप्पणी एक आदिवासी नेता के ऊपर की गई। इसके पहले भी भाजपा के नेत्री ने बहुत अमर्यादित टिप्पणी आदिवासी महिलाओं को लेकर की थी, भारतीय जनता पार्टी इस पर कार्यवाही भी किया, आज उसको टिकट देकर चुनाव जिताने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र है, पहले अपने नेताओं से किसी का अपमान करवा दो, बाद में उसको पुरस्कृत करो। और अभी हाल ही में जो नुपुर शर्मा जी वाला कांड हुआ, उसके प्रकाश जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने 38 नेताओं की सूची जारी की, जिसमें
उनके समाज को लेकर उनके भाषा सुनिए नहीं अरे सुन ले भैया ये आपकी तकलीफ ये चीज नहीं चलेगा मैं आपको मैं आपने इंटरफेयर नहीं किया मैंने ये गलत बात का सौदागर किसने नहीं, कहा नहीं, नहीं ये इंटरफेयर नहीं लगातार नहीं नहीं ये फिर आपकी आरोप लगा रहे हैं बात ही आप ही बोल लीजिए मौत का सौदागर किसने कहा था आप ही बोल लीजिए फिर है ना मौत का सौदागर किसने कहा था आप ही बोल लीजिए और संघ को किसने गालियां दी थी और कौन वो व्यक्ति था जो अदालत में माफीनामा दिए थे कि जो मैंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में आप ही के नेता थे आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी ये आप भाजपाई लोगों में तकलीफ है जब कहना है ना राष्ट्रीय संघ को कहना कि ये दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं ये राष्ट्र के दुश्मन है ये समाज के दुश्मन है और जो राष्ट्रीय संघ जिसे पंडित नेहरू ने आमंत्रित किया था तो देखिए शुरुआत कहाँ से होती है और मामले का पटाक्षेप होता है तो निश्चित रूप से जब इतने बड़े मामले मौत का सौदागर का मामला का पटाक्षेप हो गया और संघ के बारे में जो अपशब्द कहना उसका पटाक्षेप हो गया तो कवासी लखमा जी का भी मामला पटाक्षेप हो जाएगा और आइए हम विकास की बात करें हम छत्तीसगढ़ को आगे ले जाएं हम आदिवासी समाज को आगे ले जाएं छोटी सी बात को लेकर उसको बहुत महिमा मंडित करना ये राजनीति अजय जी देता अजय जी एक बहुत छोटा सा सवाल कि हम विकास की बात अमित जी इनके बात पूरी हो गई कर लूं बात अब आप बात कीजिए अमित जी आपको एक जल्दी बात कीजिए अजय जी अमित जी जी मैं पूरा कर लेता हूँ मैंने कहा ना भारतीय जनता पार्टी ने अपने 38 नेताओं की सूची जारी किया है जिसके संवाद को जिसकी भाषा को उन्होंने उद्वेलित करने वाला माना है तो ये भाजपा का संस्कार है आज अजय चंद्राकर जी बात के उसको यहाँ बैठ के भाजपा के प्रवक्ता समर्थन कर रहे हैं क्या ऐसी पार्टी से आप संस्कार की उम्मीद कर सकते हैं क्या ऐसी पार्टी से आप क्षमा की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे उस बात का समर्थन कर रहे हैं उस भाषा को बोलने में डर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का रणनीति का हिस्सा है मैं तो कहता हूँ अजय चंद्राकर जी नहीं पूरी भाजपा इसमें शामिल है आदिवासी समाज को अपमानित करने के लिए इसके पहले भी इस घटनाक्रम हो चुका है तो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने नेताओं से किसी समाज का अपमान करवाती है बाद में उसको पुरस्कृत करती है ये इनका संस्कार है ये हमने देखिए बड़े संस्कारों की बात हो रही है एक मिनट हम अजय जी से बात करते हैं आदिवासी समाज बहुत छोटा सा दल बोल रहे हो आप अजय जी बहुत छोटा सा जवाब आपको याद है आपको याद दिलाऊं मैं यहाँ पे आपको अजय जी याद दिलाऊं यहाँ पे बैठ के क्या बोले थे अजय जी को बोलने दीजिए अजय जी को याद पसीना निकल जाएंगे अभी आपके यहाँ पे कभी नहीं देखिए एक जी अजय जी ये बताएं कि ऐसे मुद्दे पे इस तरह के पहले भी आपने जो वाक्य गिना है इस पूरे मसले पे चूंकि कवासी लखमा इस समय कैबिनेट मंत्री हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए आप ये बताएं आपका अनुभव है आपने बहुत सारे ऐसे केस गिनाए हैं इसमें जी बिल्कुल ये तो एक प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री कैबिनेट में होते थे विद्याचरण जी उनके बारे में जब कहा जाता था तो विद्याचरण जी बुरा नहीं मानते थे और वो बोलते थे ये लोग तो बोलते हैं बोलने दो ये लोग तो रात में मुझसे माफी मांग लेते हैं अब यहाँ पर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी राजनेता भी बताया जय चंद्राकर जी को और लेकिन आदिवासी समाज से जोड़ना यह एक राजनीतिक विश्लेषक के लिए उचित नहीं लगता क्योंकि ये पांडुलिपि विकृत हो रही है बिल्कुल आपने अजय जी ठीक